नगर निगम के चीफ इंजीनियर दफ्तर में सोमवार को ठेकेदार ने कंप्यूटर ऑपरेटर को हॉकी स्टिक से पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर और ऑपरेटर नीरज शर्मा की तहरीर पर ठेकेदार विनय राय के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और ऑपरेटर को पीटने के मामले में कोतवाली थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ऑपरेटर नीरज शर्मा अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे, इसी दौरान ठेकेदार विनय राय दाखिल हुए और एस्टिमेट बनाने के लिए दबाव डालने लगे। नीरज शर्मा ने पहले सरकारी काम निपटाने की बात कही, जिसके बाद ठेकेदार ने पहले धमकी दी फिर मारपीट किया। उसके साथ एक शख्स और था जिसके हाथ में हॉकी स्टिक थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित नीरज शर्मा नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद्र तथा सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, मैं मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता हूँ। विनय राय का क्या काम है? वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब मैं सरकारी काम कर रहा था, उनका कोई पर्सनल काम था और हमने नहीं किया, तो हम कहें कि अभी कुछ देर बात कर देंगे। उसके बाद से विनय राय ठेकेदार हैं, मतलब वो मुझे मारने पीटने लगे इसी बात को लेकर के। कल विनय राय यहाँ पर सुना है आए थे, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पर कल था नहीं, मैं लखनऊ गया हुआ था, तो जानकारी में आया कि कल वो यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास आए थे और आकर के हमारे जो नीरज शर्मा हैं, जो आउटसोर्सिंग का कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके साथ उन्होंने मारपीट की, जिसका कि हमारे जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है वो, तो उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हो ही गई है कल, और बाकी हमने उसको शो कॉज नोटिस दिया है 2 दिन का, और उसके खिलाफ उसका रजिस्ट्रेशन है कैंसिल किया जाएगा और यहाँ पर वो नगर निगम में काम नहीं कर पाएगा। अब उनके ठेकेदारी का प्रकरण है, कुछ पैसे से बरामदगी का विषय था, इसी संदर्भ में विनय राव ठेकेदार ने मारा है, जिसके खिलाफ मुकदमा कायम है, गिरफ्तारी की जाएगी।